हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अमृता। फ्रेंड्स, आज आप सभी से मैं बात करूंगी हेयर फॉल के बारे में। हेयर फॉल क्या होता है, ये हमें क्यों हो जाता है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन है जो आपको हेयर फॉल में हेल्प कर सकती हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं हेयर फॉल के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, आपके नए बाल निकल नहीं रहे हैं, यूजुअली क्या होता है कि हमारे 10 से 15 20 बाल पर डे टूटते हैं, तो इसको हम नॉर्मल मानते हैं। लेकिन अगर आपके बाल टूटने के साथ साथ आपके नए बाल निकल ना रहे हो, साथ ही साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले होते जा रहे हो, आपके बालों की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई हो, आपकी स्कैल्प विजिबल होती जा रही हो, साथ ही साथ आपकी जो हेयर लाइन होती है वो चौड़ी होती जा रही हो, तो इसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। तो क्या होता है कि हमारी जो पूरे बॉडी में सेल्स पाई जाती हैं, ये इन सेल्स का पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसकी जगह पर नई सेल्स बन जाती हैं। तो हमारी जो बालों की जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं, उनकी जो वो जो रूट्स होती हैं समय के साथ साथ कमज़ोर हो जाती हैं और वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उसकी जगह पर नई रूट्स डेवलप करती हैं। तो इसी तरीके से हमारे बालों की ग्रोथ होती है। लेकिन हेयर फॉल में क्या होता है कि आपकी ये जड़ें तो कमज़ोर होकर के टूट रही हों, साथ ही साथ आपके एक्सेस में जो रूट्स होती हैं वो टूटने लग जाएँ और साथ ही साथ आपकी नई रूट्स निकल ना रही हों, तो इसको हम हेयर फॉल बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं हेयर फॉल के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो इसमें पहला कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो अगर आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिशन की कमी है, जैसे आपकी डाइट में विटामिन्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, प्रॉपर नरिशमेंट आपको अगर नहीं मिल रहा है, तो आपके जो रूट्स होती हैं, बालों की जो जड़ें होती हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से जड़ें समय के साथ साथ कमज़ोर होने लग जाती हैं और वो टूटने लग जाती हैं। उसका दोस्तों सेकंड कारण होता है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्पाइसी फूड खाते हैं, आपकी डाइट बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है, तो उसकी वजह से भी हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और हमको हेयर फॉल होता है। उसका तीसरा होता है कि अगर आपको बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है, आप क्रॉनिक इलनेस के सफरर हैं, जैसे कि आपको पास्ट में कभी टाइफाइड हुआ हो, डेंगू मलेरिया जॉन्डिस के बाद हमको हेयर फॉल होता है, कोई और उसके बाद अगर आपको हाइपरटेंशन की परेशानी है, आपको थायराइड है, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो उसके बाद भी हमको हेयर फॉल हो जाता है। उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल होता है, और कुछ लोगों में देखा गया है कि स्ट्रेस की वजह से भी हमको हेयर फॉल होता है। और उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा डस्ट और पोल्यूशन के एक्सपोज़र में रहते हैं, आपका ऐसा काम है कि आपको फील्ड वर्क रहता है, सन एक्सपोज़र में आप ज़्यादा देर तक रहते हैं, तो डस्ट पोल्यूशन और सन की वजह से भी हमारे जो रूट्स होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और हमको हेयर फॉल होता है। उसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड केमिकल इस्तेमाल करते हैं, आजकल बहुत सारे हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसको इस्तेमाल करने के बाद हमारा हेयर फॉलिकल्स होती हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं और बाल हमारे झड़ने लग जाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हमको हेयर फॉल होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो इसमें नंबर वन मेडिसिन रहेगी फॉस्फोरस। आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। फॉस्फोरस बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन होती है हेयर फॉल के लिए। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हों, एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा हो, आपके बाल गुच्छों में गिर रहे हों, जब आप नहाने जाते हों तो हेड वॉश के समय आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते हों, जब आप सो करके उठते हों तो पिल्लों में आपको बाल बहुत ज़्यादा मिलते हों, और जब आप कॉम्ब करते हों तो आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हों, हाथ लगाने से भी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो आप फॉस्फोरस ले सकते हैं। फॉस्फोरस आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। फॉस्फोरस 200 की दो दो बूंद को आप हफ्ते में 3 बार लीजिए, 1 से 2 महीने तक आपको अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद सेकंड मेडिसिन रहेगी, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, आपके बालों में एक्जिमा की परेशानी है, उसके बाद अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो डैंड्रफ के साथ में अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो आप थूजा लीजिए। थूजा आपको 200 पावर में लेनी है। थूजा 200 की दो दो बूंद को हफ्ते में 3 बार आप लीजिए, अल्टरनेट डेज पे आप ले सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 1 से 2 महीने तक लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद थर्ड मेडिसिन रहेगी, अगर आपको क्रॉनिक इलनेस के बाद आप बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे हों, किसी बीमारी के बाद अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप एसिड फ्लोर ले सकते हैं। एसिड फ्लोर आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। एसिड फ्लोर 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप 1 से 2 महीने तक लीजिए।
आपको डेफिनेटली अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद फोर्थ मेडिसिन रहेगी, अगर आपको स्ट्रेस की वजह से, एनजाइटी, चिंता, तनाव की वजह से अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आप एसिड फॉस ले सकते हैं। एसिड फॉस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। एसिड फॉस आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। एसिड फॉस 30 की दो दो बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप 1 महीने तक लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी, अगर आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर हेयर फॉल होता है तो आप नेट्रामयूर ले सकते हैं। नेट्रामयूर आपको 6x पावर में लेनी है। नेट्रामयूर 6x की 4-4 टैबलेट को आपको दिन में 3 बार 1 से 2 महीने तक लेना है, डेफिनेटली आपको अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। बाद नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी, अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, साथ ही साथ आपके बाल झड़ भी रहे हैं, तो आप ज़ेब्रेंडी मदर टिंचर ले सकते हैं। ज़ेब्रेंडी मदर टिंचर की 10-10 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप 1 से 2 महीने तक लीजिए, डेफिनेटली आपको अपने सफ़ेद बालों में और हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ टॉप ग्रेडेड होम्योपैथिक मेडिसिन जिनको आपको अपने लक्षणों के हिसाब से लेना है, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। इन मेडिसिन को लेने के साथ साथ आपको कुछ बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अच्छी डाइट को फॉलो करना है। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल को ज़रूर इंक्लूड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, अपने स्ट्रेस को आप दूर रखिए, अच्छी नींद आप लीजिए, साथ ही साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज और योगा करिए, डेफिनेटली आपको अपने हेयर फॉल में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।